मुल्क में जारी एहतजाज को नज़रअंदाज करते हुए भारतीय सदर रामनाथ कोविंद ने मुतनाज़े शहरियत के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। दूसरी तरफ बिल के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में भी शिद्दत आ चुकी है। गुवाहाटी में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस भी बंद और परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। भारतीय पार्लियामान ने गुज़श्ता दिनों लोकसभा और फिर राज्यसभा तारकीने वतन की शहरियत से मुतालिक मुतनाज़े तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के हक में 311 जबकि इसकी मुखालिफत में 80 वोट पड़े। भारत के सदर रामनाथ कोविंद ने पार्लियामान से मंजूर होने वाले मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी बिल की तौसी करते हुए इसे कानून की शक्ल दे दी है। सदन ने तौसी के दस्तखत ऐसे वक्त में किए हैं जब इस कानून के खिलाफ भारत के कई शहरों में मुजाहरे किए जा रहे हैं। शहरियत तरमीमी बिल 2019 के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सन 2015 से पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख, मसीह, बुद्ध और पारसी मजहब के मानने वालों को भारतीय शहरियत दी जाएगी, तहम मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। दूसरी जानिब मुतनाज़ा बिल की मंजूरी के बाद से जारी अवामी एहतजाज मजीद जोर पकड़ गया। पुरतशद्दुद मुजाहरे भारत की मुख्तलिफ रियासतों तक फैल गई, जबकि मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में बिल की मंजूरी के खिलाफ हड़ताल भी की जा रही है। आसाम में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आई। गुवाहाटी में मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई जिनमें 3 अफराद हलाक, जिस पर इंतजामिया ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। त्रिपुरा में मुजाहरे रोकने के बाद दफा 144 नाफिज कर दी गई, इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम दुश्मन बिल के खिलाफ हजारों तलबा ने भूख हड़ताल कर दी, जिस पर तलबा पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अब भारत में अक़लियतों पर मुजालिम और फसादात की वजह से जापानी वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे ने दौरा भारत भी मनसूख कर दिया। इससे कबल बांग्लादेश के वजीर खाजा और वजीर दाखला ने भी भारत का दौरा मनसूख कर दिया था। UN इंसानी हकूक के इदारे ने भी भारतीय शहरियत के नए कानून पर इजहार तशवीश किया है। इंसानी हकूक के इदारे ने नए कानून को इम्तियाजी करार दिया।